हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन बढ़ रहे थे उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, और इस चैप्टर में अपन आगे बढ़ेंगे। लास्ट जो अपन ने बात करी थी, वो बात करी थी मूत्र निर्माण की, बात अपन ने स्टार्ट करी थी ना। और मैंने आपको कहा था कि मूत्र निर्माण जो है उसमें तीन स्टेप्स हैं। पहली स्टेप होगी आपकी गुच्छीय निषंदन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसको और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में परानिषंदन भी बोलेंगे। उसके अलावा दूसरी स्टेप जो होगी वो आपकी पुनः अवशोषण होगी, जिसको इंग्लिश में रीअब्सॉर्प्शन, अब्सॉर्प्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? अवशोषण। ठीक है, अवशोषण का इंग्लिश में अब्सॉर्प्शन। ठीक है, बोल रहा पुनः अवशोषण मतलब रीअब्सॉर्प्शन, ठीक बात है। तीसरी स्टेप होगी श्रवण, ठीक है, आपकी सिक्रीशन। तो ये तीन स्टेप होंगी, और तीन स्टेप करके अपन क्या करेंगे, मूत्र का निर्माण करेंगे। ठीक बात है। तो इमेजिन करते जाना, जो मैं आपको बातें बोल रहा हूं वो आपको समझती जाने, ठीक है, अभी समझो। सर मूत्र निर्माण जो है उसमें तीन स्टेप्स हैं। पहली है आपकी गुच्छीय निषंदन, जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सबसे पहले फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद में रीअब्सॉर्प्शन, पुनः अवशोषण करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे अपन, सिक्रीशन करेंगे। तीन स्टेप्स है अपने पास में, ठीक बात है। और ये तीनों स्टेप्स चलेंगे कहां पे, ये तीनों स्टेप होने वाली कहां पे है, ये होने वाली है आपकी नेफ्रॉन के अंदर, वरकाणु के अंदर होने वाली है। ये जो सारी तीनों की तीनों स्टेप कहां होंगी, वरकाणु के अंदर होंगी, ठीक है। और वरकाणु से लास्ट में जो संग्रह नलिका है वहां से क्या निकलेगा, मूत्र का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब अपन समझेंगे पहली स्टेप को। पहली स्टेप क्या कहती है, गुच्छीय निषंदन, परानिषंदन, इसको इंग्लिश में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। अब बात करेंगे, सबसे पहला जो भाग आता है अपना, ये आपने वरकाणु सबने देखा है, मैंने दिखाया, अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आपने देखा होगा वरकाणु। ये वरकाणु की संरचना है, ठीक है। इसमें पहला भाग क्या है आपका, पहला भाग है ये, एक तो ग्लोमेरुलस जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। उसके अलावा आपका बोमेन संपुट, पहला भाग तो मुझे यही दिख रहा है, सबसे जहां से स्टार्टिंग होती है वरकाणु की, तो सबसे पहले मुझे क्या दिखा, मुझे ग्लोमेरुलस दिखा और मुझे बोमेन संपुट दिखा। अरे सही बात है या नहीं है, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट दो ही चीजें मुझे दिखाई दे रही है सबसे पहले। तो जो सबसे पहले जो चीजें होंगी ना, पहले जो सबसे पहले स्टेप होगी कौन सी, गुच्छीय निषंदन, जो फिल्ट्रेशन का काम होगा वो यही होगा, वो फिल्ट्रेशन का जो काम होगा वो इतने इतने भाग में होगा। अगली जो स्टेप आएगी पुनः अवशोषण की, वो कहां होगी, वो यहां से लेके जो आपका पीसीटी है, पीसीटी से लेके डीसीटी तक होगी, ठीक है। अभी मैं सारी चीजें समझाऊंगा आपको एक एक, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इस भाग की, बात करेंगे जिसमें गुच्छ की निषंदन होने वाला है, और ये कैसे होता है वो समझना भाई, ध्यान से समझना, ध्यान दोगे समझ में आएगी चीजें, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में बता दिया था मैंने इतना, लेकिन वापस पूरा रिपीट करूंगा, ये डायग्राम बना दिया था मैंने। गुच्छीय निषंदन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब ये फिल्ट्रेशन होता कैसे है, ठीक है, मूत्र बनता कहां से, कहां ये इतना पानी आता कहां से, आप कहोगे भैया हम पीते हैं वो आता है, ठीक है। तो ऐसा है क्या कि अपन ने पिया और डायरेक्ट एक पाइप लगा रखा अपने, और वो डायरेक्ट कहां चला गया, किडनी में, और किडनी से वो वरकाणु में चला गया, और जो है वहां से मूत्र निर्माण हो गया, पानी पिया डायरेक्ट पाइप से किडनी में, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप पानी पीते हो उसका क्या होता है, अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। आपने पानी पिया, पानी कहां जाएगा, कोई अलग से पाइप नहीं है, वही आपकी एलिमेंट्री केनाल है, वही आपकी आहार नाल है, पानी तो उसी में जाना है, ठीक बात है, क्योंकि वही पाइप है, उसके अलावा कोई पाइप ही नहीं है ना, ठीक है। आहार नाल में गया, आहार नाल से क्या हुआ, वो अवशोषण हुआ, और वो पानी अवशोषित होकर कहां गया, रक्त में गया, ठीक है। अब रक्त जो है वो जाएगा कहां पे, किडनी के पास में, पानी डायरेक्ट नहीं जाता, किडनी के पास में कौन जाएगा, रक्त जाएगा, ठीक है। रक्त गया किडनी के पास में, और किडनी के अंदर कौन सी धमनी जाती है, वर्क धमनी जाती है, और वर्क धमनी आगे जाके छोटी छोटी धमनिकाओं में डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है, और वो धमनिका कौन सी है, अविवाही धमनिका, कौन सी धमनिका, अविवाही धमनिका, जो वरकाणु की तरफ आ रही है वो अविवाही धमनिका, जो वरकाणु से निकल रही है वो अपवाही धमनिका, यहां तक ठीक है। अविवाही धमनिका में रक्त आ गया, बिल्कुल उसमें पानी है, ठीक है। अब अविवाही धमनिका जो है वो आगे जाके क्या बनाएगी, गुच्छा सा बनाएगी, मैंने आपको बता दिया था कि पिलरिया क्या बनाएगी, गुच्छा सा बनाएगी, पतली 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 क्या है, वाहिकाएं हैं, रक्त वाहिकाएं हैं, ठीक है, उनमें वो ब्लड आएगा, ठीक है। अब यहां पर जो आपकी पतली पतली जो आपकी क्या है, रक्त वाहिकाएं हैं, उनमें ब्लड आ गया है। अब यहां से क्या करेंगे अपन, मूत्र निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे, जो अपन ने पानी पिया था वो कहां था, रक्त में ही था, ठीक है। अब रक्त से क्या करेंगे अपन, उस पानी को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखो। यहां ये क्या है आपकी रक्तवाहिका है,
कौन सी रक्तवाहिका, जो गुच्छा सा बना रखा था अपने, ग्लोमेरुलस, उसकी ये रक्तवाहिकाएं हैं। ठीक बात है। और वो कहां होती है, नीचे कौन होता है आपका, बोमन संपुट होता है। अरे बोमन संपुट ये इसी के अंदर तो आपकी वो है, ग्लोमेरुलस इसी के अंदर होता है। ठीक है। और इस रक्तवाहिका और इस बोमन संपुट के बीच में एक पदार्थ भरा हुआ होता है जिसको कहते हैं अपन आधारीय पदार्थ या फिर आधारीय झिल्ली कह देते हैं ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन या फिर बेसमेंट सब्सटेंस कह देते हैं। ठीक है। और आपको अगर याद हो तो अपने आधारीय झिल्ली या फिर आधारीय पदार्थ के बारे में बात पहले भी कर चुके हैं, कौन से चैप्टर में, सब्सटेंस वाले चैप्टर में बात कर चुके हैं, जब अपन बात कर रहे थे कूपिका, कूपिका से जो रक्तवाहिका है उसके अंदर ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान जब होता है, तो मैंने आपको बताया था कि एक दीवार तो कूपिका की होती है, एक दीवार किसकी होती है, रक्तवाहिका की होती है, और बीच में क्या भरा हुआ है, उसमें आधारीय पदार्थ भरा हुआ है, तो तीन दीवारों से होते हुए जो ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। बताया था या नहीं बताया था, बताया था। तो वैसा ही खेला यहां पर होगा, यहां पर भी वही तीन दीवारें हैं। ठीक है। यहां पर बस एक तो आपकी जो आपकी रक्तवाहिका उसकी दीवार तो है ही है, आधारीय पदार्थ भी है ही है, उसके अलावा जो दीवार होगी वो किसकी होगी, बोमन संपुट की दीवार होगी। अब ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना। अब यहां पर फिल्ट्रेशन होगा क्यों भाई, पूरे शरीर में कहीं भी फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, पूरे शरीर में कहीं भी जो आपका रक्त वो फिल्टर नहीं होता। अरे पूरे शरीर में कहीं फिल्टर होता क्या, नहीं होता। तो यहीं ऐसा क्या है भाई, बोमेन संपुट के ऊपर ऐसा क्या है कि यहां पर रक्त जो है वो फिल्टर होने लग जाता है, जो आपकी रक्तवाहिका है उससे बाहर आने लग जाता है, ऐसा क्या है यहां पे, तो वो आप ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। मैं पीछे लेके चलूंगा आपको डायग्राम में, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है। इसमें आया रक्त कौन सी वाहिका है, अभिवाहिका, अभिवाही धमनिका है ना, कौन सी धमनिका है, अभिवाही धमनिका, इसमें रक्त आया, इसमें रक्त क्या है, आ रहा है, बिल्कुल भैया आ रहा है। अब क्या होगा, मैं कह रहा हूं एक पाइप लो आप, ठीक है, एक पाइप, ठीक है, उसमें पानी आ रहा है, आ रहा है, और आपने क्या किया, आगे से उसको ऐसे दबा दिया, जैसे आप उसको दबाओगे तो प्रेशर जो है ना वो बढ़ जाएगा, अरे बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, जैसे ही आप पाइप को आगे से दबाओगे प्रेशर जो है पानी का बढ़ जाएगा, क्या पानी की मात्रा बढ़ गई, नहीं जी, पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक बात है। तो वही यहां पे होगा, ये जो अभिवाही धमनिका है ये थोड़ी सी चौड़ी है, इसमें से रक्त थोड़ा ज्यादा निकल सकता है, तो यहां से रक्त आ रहा था फिर एकदम से क्या हुआ, ये जो गुच्छा बना है इसमें तो बहुत पतली पतली वाहिकाएं हैं, अभिवाही धमनिका थोड़ी मोटी है, चौड़ी है, और फिर आगे देखा हमने ग्लोमेरुलस के अंदर जो वाहिकाएं हैं ये तो बहुत पतली पतली हैं, जैसे ही रक्त इन पतली पतली वाहिकाओं में आएगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, रक्त का जो दाब है वो बढ़ जाएगा, जैसे ही रक्त का दाब बढ़ेगा तो दाब जब बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा तो जो रक्त है वो किस पर धक्का मारेगा, जो रक्त वाहिका है उनकी दीवारों पर धक्का मारेगा। ठीक बात है। चलो अब वापस चलते हैं पीछे अपना डायग्राम में, ये किसकी, ये कौन सी वाहिका है, जो आपकी ग्लोमेरुलस की जो पतली पतली वाहिका है वहां है ना, तो यहां पर रक्त आएगा और यहां पर प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो इनकी दीवारों पर क्या मारेगा, धक्का मारेगा, जब दीवारों पर धक्का मारेगा तो ब्लड कहां आएगा, इस जो आंतरिक उपकला है ये जो रक्तवाहिका की जो दीवार है इसको भेदते हुए वो आएगा कहां पे, आधारीय झिल्ली के अंदर, आधारीय झिल्ली से छन के वो कहां आएगा, ये जो बोमन संपुट की जो दीवार है, ठीक है, जिसमें जिसको इसमें स्पेशल टाइप की सेल्स बनी हुई हैं जिनको कहते हैं पदाणु, हिंदी में पदाणु, इंग्लिश में पोडोसाइट्स कहते हैं, इन पोडोसाइट्स के बीच में, दो पोडोसाइट्स के बीच में छोटे छोटे छेद हैं, ठीक है, उन छेदों से छनते हुए जो है ब्लड जो है वो नीचे आ जाएगा। अब इस ब्लड में से, ब्लड में बहुत सारी चीजें हैं, अपन ब्लड वाला चैप्टर भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या नहीं आएंगी उनके बारे में बात करेंगे, और क्या क्या छन के आएगा इसमें से, भाई हर चीज छन के थोड़ी ना आती है, आप भाई चाय बना रहे हो चाय को छानते हो, तो चाय को छानते हो तो नीचे सारी चाय जो चीजें डालते हैं, अदरक डाली, इलायची डाली, काली मिर्च डाली, सारी चीजें थोड़ी ना आती है उसमें, नीचे छन के सारी चीजें नहीं आती ना, वैसा यहां पे होगा, ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन छन के सारी नहीं आती हैं, अभी बात करेंगे उसके बारे में भी। अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि पहला जो पार्ट मैंने आपको बताया मूत्र निर्माण का वो क्या है, आपका गुच्छे निषंदन, गुच्छे निषंदन के अंदर क्या होगा, जो आपकी ग्लोमेरुलस की जो वाहिकाएं हैं, ठीक है, उनमें रक्त आएगा, वहां से उस उन रक्त वाहिकाओं की जो दीवार है उनसे छन के कहां जाएगा, आधारीय पदार्थ में, आधारीय पदार्थ में और छनेगा, उसके बाद में आएगा कहां पे, बोमन संपुट की दीवार से टकराएगा और उसकी जो कोशिकाएं हैं, स्पेशल टाइप की कोशिकाएं हैं, उनके पदाणु, इंग्लिश में पोडोसाइट्स, और उनके बीच में भी छोटे 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 छेद हैं, ठीक है, उनसे छनते हुए नीचे आएगा, ठीक है, और इसमें चला जाएगा, ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा, आपका PCT आएगा, फिर हेनले लूप आएगा, फिर DCT आएगा, ठीक है, ऐसा चलेगा। अभी यहां तक समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है, कितनी बार छना है, एक बार इस दीवार से छन गया,
फिर इस आधारीय पदार्थ आधारीय झिल्ली से छन गया, उसके बाद में आपकी बोमेन संपुट की जो पदाणु है इनसे छन गया। तो तीन तीन बार इसका इसको छाना जा रहा है, मतलब क्या है, बहुत ही बढ़िया छाना जा रहा है इसको ना। तो ये इसको क्या, इसलिए इसका इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, ठीक है, प्राणिसंदन है ये, ठीक है, इसलिए इसका ये नाम दिया गया। अब यहां पर जो बातें लिख रही है वो देख लो, जब रक्त कोशिक गुच्छ ग्लोमेरुलस से गुजरता है तब रक्त दाब बढ़ जाता है। बता दें मैंने आपको रक्त दाब कैसे बढ़ता है ना, इस कारण रक्त का कुछ भाग फिल्टर हो जाता है, ठीक है, रक्त का कुछ भाग फिल्टर हो जाता है, दो बार हो लिख दिया ना, रक्त का कुछ भाग क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, है कैसे होता है वो मैंने आपको बताया अभी, क्या क्या फिल्टर हो क्या आता है अभी लिखवाऊंगा वो सारी चीजें, है ना। यहां पर आप एक चीज देख लो, ये क्या है, रक्तवाहिका की जो आंतरिक उपकला है, ठीक है, रक्तवाहिका की दीवार आंतरिक उपकला जिसको एंडोथीलियम कहेंगे इंग्लिश में, ये आपका आधारीय झिल्ली या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन कह दो या फिर बेसमेंट सब्सटेंस कहो तो आधारीय पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पदाणु, पदाणु के बीच में देखो छोटे छोटे छेद हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ये वाली बात आपको स्टेटमेंट बन सकते हैं, कथन वाले क्वेश्चन यहां पर आ सकते हैं कि पदों पदाणु के बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, तो ये पदाणु इंग्लिश पोडोसाइट कहेंगे। इन ये तीनों जो मिलकर क्या बनाएंगी, निषंदन झिल्ली बनाएंगी, तीनों जो आपकी जो दीवारें हैं वो मिलकर क्या बनाएंगी, निषंदन झिल्ली बनाएंगी, फिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन जो है वो बनाएंगी, क्योंकि इन्हीं से तो फिल्टर होकर आएगा ना ब्लड, ठीक बात है। चलो अब कुछ बातें लिखेंगे इसके बारे में, कितना ब्लड जो है वो फिल्टर होता है उसके बारे में बात करेंगे। भाई अपना हृदय जो है वो कितना ब्लड पंप करता है एक मिनट में, अपन पढ़ चुके हैं, लगभग 5 लीटर के आसपास ब्लड पंप करता है, ठीक है, एक मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है या नहीं करता है, यार बताया था लास्ट चैप्टर के अंदर, बताया था ना, हाँ, एक मिनट में 5 लीटर ब्लड जो है रक्त जो है वो पंप करता है अपना हृदय, ठीक है, उसमें से किडनी के हिस्से में कितना आता है उसके बारे में बात करेंगे। अभी वही लिखवा रहा हूं मैं आपको ना, तो ध्यान से देखना बस, हृदय द्वारा, हृदय द्वारा एक मिनट में, निकाले हुए रक्त रक्त के 1/5 भाग के बराबर भाग के बराबर होता है, ठीक है। तो हृदय से हृदय द्वारा एक मिनट में निकाले हुए रक्त, एक मिनट में कितना रक्त निकलता है, 5 लीटर के आसपास, 5 लीटर के लगभग 5 लीटर ना, एग्जैक्ट 5 लीटर लगभग 5 लीटर मान के चलो ना, तो एक मिनट में हृदय कितना ब्लड पंप करता है, लगभग 5 लीटर, उसका 1/5 भाग कितना हो जाएगा, 1/5 भाग कितना हो जाएगा भाई, 5 लीटर का 1/5 भाग कितना हो जाएगा, अरे 1000 लीटर नहीं हो जाएगा, 1000 ml नहीं हो जाएगा क्या, 1 लीटर नहीं हो जाएगा, मुझे बताओ, आपके 5 नंबर आए, ठीक है, 5 नंबर का पेपर हुआ आपके, आए 1 नंबर आया आपके, ठीक है, तो आपके 5 में से कितना नंबर आया आपका, अरे 1/5 आया नहीं आया, 1/5 ही तो आया आपका ना, चलो ऐसे छोड़ो भाई, जमीन है, ठीक है, 5 भाई हैं, ठीक है, कितनी जमीन हिस्से में आएगी, के तो एक उस जितनी भी जमीन होगी उसका 1/5 भाग जो है वो सब सब क्या आ जाएगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, वैसे ही 5 लीटर है, 5 लीटर ब्लड निकल रहा है हृदय से, तो किडनी के हिस्से में कितना आता है, 1/5 भाग आता है, और 1/5 भाग 5 लीटर का कितना होगा, 1000 ml के आसपास होगा, ठीक बात है, 1000 ml मतलब 1 लीटर के आसपास है, तो मैंने आपको बताया लगभग 5 लीटर आता है, तो 1000 ml एग्जैक्ट नहीं आता, 1100 से 1200 ml जो वो किडनी के हिस्से में आता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1100 से 1200 ml किडनी के हिस्से में आएगा, 1100 से 1200 ml, याद रखना भाई, किडनी के हिस्से में कितना आता है, 1100 से 1200 ml, और ये वाली बात भी याद रखनी आपको कि 1/5 भाग के बराबर होता है, ठीक है। चलो अब रक्त का कौन कौन सा भाग फिल्टर होता है, मैंने आपको बता दिया कि रक्त का भाग फिल्टर होता है, क्या क्या, सारा रक्त फिल्टर होकर निकल जाएगा, और सारा रक्त फिल्टर होकर निकल जाएगा तो खून की कमी नहीं आ जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रक्त का कौन कौन सा भाग जो है वो फिल्टर होकर आता है वो देखना अपन को, आ जाओ मूत्र निर्माण में रक्त का कौन कौन सा भाग जो है वो फिल्टर होकर आता है वो देखो, प्लाज्मा, देखते हैं इसको, रुधिर के प्लाज्मा, रुधिर मतलब रक्त ना, रुधिर के
अब एनसीईआरटी अलग अलग वर्ड यूज करती है तो वो आपको पता होने चाहिए ना। कल को मैं आपको रक्त लिखाता था, आपको रुधिर आ जाए, ठीक है, तो रुधिर भी आपको पता होना चाहिए ना। हाँ, रक्त के प्लाज्मा, रुधिर की प्लाज्मा प्रोटीन, रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन प्रोटीन को छोड़कर छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग फिल्टर हो जाता है, ठीक है। तो शेष भाग छन जाता है, फिर फिल्टर हो जाता है ना। तो रुधिर का जो प्लाज्मा है, ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ब्लड के अंदर दो पार्ट है भाई, एक है आपका प्लाज्मा और दूसरा आपका संगठित पदार्थ। तो संगठित पदार्थ के अंदर तो आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ही आएंगे, तो संगठित पदार्थ को तो हटा दो, ठीक है, वो नहीं छनेगा, कभी नहीं छनता वो, ठीक है। क्या छनेगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर भी क्या होता है? जल होता है और प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन नहीं आएंगी भाई, ठीक है, प्रोटीन जो है वो छनेंगी नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। रुधिर के अंदर प्लाज्मा छनता है और प्लाज्मा में भी प्रोटीन नहीं छनती है, यह आपको पता होना चाहिए। अगर आपने प्रोटीन को छान दिया है ना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रोटीन जो प्लाज्मा है उसकी प्रोटीन को छोड़कर बाकी प्लाज्मा जो है वो क्या है, छन के नीचे आ जाता है, ठीक बात है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि भैया एक मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड जो वो किडनी के पास में पहुंचता है, ठीक है, रक्त जो हृदय है वो टोटल कितना रक्त पंप करता है एक मिनट के अंदर, एक मिनट की बात हो रही है, 5000 ml करता है, तो उसका एक पांचवा भाग, लगभग 5000 ml करता है, तो उसका एक पांचवा भाग कितना हो जाएगा, 1100 से 1200 ml, ठीक है, इतना मान के चलो अपन, है ना। तो 1100 से 1200 ml जो है वो किडनी के पास पहुंचा, तो क्या 1100 से 1200 ml जो है वो पूरा का पूरा फिल्टर हो जाएगा क्या, वो पूरा का पूरा क्या छन के आ जाएगा? नहीं जी, 1100 से 1200 ml छन के नहीं आता, इतना ब्लड तो किडनी के पास में पहुंचा है, ठीक है, छनता कितना है अभी बताऊंगा, ठीक है। यहां से फिल्टर कितना होता है, इस रक्तवाहिका से नीचे कितना आएगा, फिल्टर कितना होगा, छन के नीचे कितना आएगा, वो तो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन 1100 से 1200 ml रक्त तो किडनी के पास पहुंचता है, अब इस 1100 से 1200 ml में किडनी कितना छान पाती है अभी वो बताऊंगा, देखो ध्यान से देखना। गुच्छीय निषेधन दर, है ना, इसको शॉर्ट में GFR बोलेंगे, ठीक है। GFR क्यों बोलते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में इसको कहते हैं गुच्छीय निषेधन दर, ठीक है, तो शॉर्ट में अपन GFR बोलेंगे इसको, ना। अब ये GFR क्या होती है इसको मैं आपको बता देता हूं, GFR क्या होती है वो देख लो भाई, वर्कों द्वारा प्रति मिनट निषेधित का मतलब फिल्टर की गई मात्रा, ठीक है। तो आप देखो भाई, ये देखो गुच्छीय निषेधन दर जो है, GFR जो है, ये क्या होता है, एक मिनट में जो किडनी जो है उन्होंने कितना ml जो है आपका फिल्टर बनाया है, ठीक है। देखो किडनी के पास में रक्त कितना पहुंचा भैया, 1100 से 1200 ml पहुंचा, तो क्या वो जो 1100 से 1200 ml जो रक्त पहुंचा है वो सारा का सारा फिल्टर हो जाएगा? नहीं जी। तो कितना ब्लड, कितना फिल्टर होता है, जो फिल्टर हो गया छन के जो नीचे आता है वो मात्रा कितनी होती है, वो मात्रा होती है एक मिनट के अंदर जो होती है उसको क्या कहेंगे, GFR कहेंगे, गुच्छीय निषेधन दर कहेंगे, ठीक है। अभी वो बताऊंगा कितनी होती है, वो भी बताऊंगा ना। तो गुच्छीय निषेधन दर आपको समझ में आया, जिसको शॉर्ट में GFR कहेंगे, क्योंकि इंग्लिश वाली फुल शॉर्ट फॉर्म अपन ने लिख रखी है ना। तो वर्कों द्वारा प्रति मिनट एक मिनट के अंदर निषेधित जो फिल्टर हो गया है वो मात्रा, ये फिल्टर हुई हुई मात्रा नहीं है, ये तो आती है, ठीक है, इसके बाद में फिल्टर होने के बाद में अलग मात्रा होती है, वो कितनी होती है बताऊंगा। तो GFR कितना होता है वो देखो भाई, GFR होता क्या वो समझ में आना चाहिए आपको, उसके बाद में GFR कितना होता है वो देखो, GFR क्या होता है ये आपको समझ में आ ही गया ना, एक मिनट में कितना रक्त जो है वो फिल्टर होके नीचे आ जाएगा, फिल्टर हो गई वो मात्रा कितनी है ना, वो GFR है। तो GFR एक मिनट में कितना होता है, वो होता है 125 ml
एमएल पर मिनट, एक मिनट में 125 एमएल जो है आपका फिल्टर होता है। रक्त कितना आया 1100 से 1200 एमएल, उसमें से फिल्टर कितना हुआ 125 एमएल। ठीक है, एक मिनट में किडनी के पास में कितना फेंकता है भाई 1100 1200 एमएल, उसमें से कितना फिल्टर होके छन के नीचे कितना गया, वो गया आपका 125 एमएल। ये आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको दिन का पूछ ले, क्योंकि एक दिन में कितना फिल्टर हुआ, ये तो एक मिनट का खेला भाई, एक मिनट में रक्त कितना आया 1100 1200 एमएल, उसमें से 125 एमएल जो है वो एक मिनट के अंदर छन गया। लेकिन एक अगर आपको पूछ ले कि दिन में कितना छनता है, ठीक है, छन के कितना नीचे आता है, तो वो भी एनसीईआरटी में रखा है। तो 180 लीटर प्रतिदिन, ठीक है, 180 लीटर प्रतिदिन, ये आपको दोनों डेटा जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो छन के जो नीचे मात्रा जो आती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं अपन, जीएफआर कहते हैं। एक मिनट के अंदर जो छन कर जो मात्रा नीचे आती है उसको क्या कहते हैं अपन, जीएफआर कहते हैं, गुच्छे निषेधन दर कहते हैं। और जो जीएफआर है एक मिनट के अंदर कितना छनता है, 125 एमएल प्रति मिनट छनता है। और एक दिन की बात करूं तो 180 लीटर जो है वो छन के जो नीचे आता है वो 180 लीटर वो मात्रा होती है एक दिन के अंदर। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया मूत्र निर्माण अपन पढ़ रहे हैं, तो 180 लीटर अगर छन गया तो ये दिक्कत हो जाएगी, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी, कि भैया फिर तो हम कोई काम कर ही नहीं पाएंगे, है ना, पूरे दिन तो हमें तो फिर टॉयलेट में ही रहना पड़ेगा, पूरे दिन हमें तो सिर्फ जो है मूत्र विसर्जन ही हमें करना पड़ेगा, है ना, पूरे दिन तो हमें मूत्र ही निकालने में लग जाएंगे हम, तो और क्या काम करेंगे, 180 लीटर निकालना भाई। तो क्या आप पूरे दिन में 180 लीटर जो है मूत्र निकालते हो क्या बाहर, बताओ मुझे भाई, एक दिन में 180 लीटर निकालते हो क्या, अरे नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलो अगर 180 लीटर निकाल दिया तो फिर शरीर जो है आपका आपका साथ छोड़ देगा, ठीक है, चलो, क्योंकि 180 लीटर पीते हो क्या आप, नहीं पीते ना, ठीक है, तो वो आएगा कहाँ से, फिर तो रक्त निकलेगा ना बाहर। अरे पीते हो कितना, 180 लीटर पीते हो, नहीं पीते, अगर 180 लीटर निकल गया, ठीक है, तो वही चक्कर चलता रहता पूरे दिन में, वही चक्कर चलता है, ऐसा कोई थोड़ा ना कि भाई शरीर अपने आप से कोई कुछ बनाता, आप पीते हो उस वही निकलता है बाहर, बाकी ब्लड तो अपने आप कॉन्स्टेंट रहता है पूरा बेचारा ना। हाँ चलो अब बात करते हैं उस बारे में। तो ये 180 लीटर छन गया, ठीक है, अब छन गया तो क्या करें भाई, छन गया तो इसको पूरे को बाहर नहीं निकालना, ये पूरा मूत्र नहीं बना है, ये तो पहली स्टेप आपकी पूरी हुई है, पहली स्टेप आपकी पूरी हो गई अब, ठीक है, पहली स्टेप आपकी पूरी हुई है। पहली स्टेप क्या थी, गुच्छे निषेधन, पहले आपने छान दिया। दूसरी स्टेप क्या थी, पुनः अवशोषण, अब आएगा पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण क्या है यार, 180 लीटर जो है आपने छान दिया, ये जो 180 लीटर जो द्रव है आपने जो पानी है वो छान दिया, अब 180 लीटर अगर आप बाहर निकाले तो दिक्कत आ जाएगी शरीर में, शरीर बचेगा ही नहीं, तो करना क्या है, इसको पुनः अवशोषण करो, इसको वापस अवशोषित करो। अब इसके लिए पुनः अवशोषण वर्ड क्यों यूज करते हैं भाई, अवशोषण भी तो कर सकते थे कि भाई वापस पानी को अवशोषित करो, अरे बात मान रहे नहीं मान रहे, पुनः अवशोषण क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पानी जो है एक बार अवशोषित हो चुका है, कब हुआ, जब अपन ने पानी पिया था ना यार, जब अपन ने पानी पिया था ना तो वो कहां गया, आहार नाल में, और आहार नाल से अवशोषित होकर कहां गया, रक्त में, ठीक है। अब जो आप वापस जल को क्या कर रहे हो, अवशोषित कर रहे हो, तो वो वापस अवशोषित कर रहे हो, एक बार हो चुका है, अब वापस आप अवशोषित कर रहे हो उसको, इसलिए क्या कह देंगे अपन, पुनः अवशोषण। तो 180 लीटर जो है आप बाहर थोड़ी ना निकालोगे, इसलिए क्या करना पड़ेगा अपन को, इसको वापस अवशोषित करना पड़ेगा ताकि कम से कम बाहर निकले। तो आप पूरे दिन में कितना यूरिन जो है मूत्र जो है वो बाहर निकालते हो, वो निकालते हो आप लगभग 1 से 1.5 लीटर निकालते हो, मतलब क्या है 99% जो आपका ये जीएफआर जो है ना, ठीक है, जो आपका ये जो फिल्टर होके जो आपका जो आया है फिल्ट्रेट जो आया है, ठीक है, 99% जो है वो वापस क्या हो जाता है, पुनः अवशोषित हो जाता है, ठीक है, 180 लीटर में से 99% अपन वापस अवशोषित कर लेंगे, और पूरे दिन में कितना अपन मूत्र निकालते हैं वो निकालते हैं अपन 1 से 1.5 लीटर, ठीक है, तो 99% तो वापस अवशोषित हो जाना है। अब इसीलिए दूसरी जो स्टेप होगी वो आपकी पुनः अवशोषण, इसको वापस अवशोषित करेंगे, भाई इतना नहीं छानना था, आपने छान दिया, चलो आपका काम अब छानने का, आपने छान दिया, हम क्या करेंगे अब इसको वापस अवशोषित करेंगे, ठीक है, वापस अवशोषित करेंगे, और उसके बाद में जो अगली स्टेप आएगी वो सिक्रेशन बाद में बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले अपन पुनः अवशोषण पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, अभी वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी तो उसके बारे में आपको बात नहीं बताऊंगा, लेकिन आगे बताऊंगा, ठीक है, तो अभी एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे बात करेंगे, या फिर इसको आगे ही बताऊं मैं, चलो इसको इसके बारे में अपन आगे ही बात करते हैं, अभी अपन बात करेंगे इसके बारे में। एनसीईआरटी में यहाँ दे रखा है, ठीक है, कुछ बातें यहाँ दे रखी, लेकिन इसका जो फंक्शन है
जेजीए की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अभी आपको पता भी नहीं होगा क्योंकि आप एनसीईआरटी भी देखते भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो है आगे आएगा, तो मैं इस टॉपिक को आगे कवर कराऊंगा, है ना। अभी मैं आपको क्या बताऊंगा, पुनः अवशोषण के बारे में बात करेंगे, है ना। पूरा मूत्र निर्माण करते हैं, उसके बाद में ये बातें करेंगे। एक बार मैं देख लो रिकॉर्डिंग चल रही है क्या, उसके बाद में आगे बात करते हैं, ठीक है। ओके, चलो भाई पुनः अवशोषण की बात करते हैं, री एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। री एब्जॉर्प्शन, चलो अगली हेडिंग डालते हैं, री एब्जॉर्प्शन। पुनः अवशोषण, मेरे रूम में जो है ना कुछ तो घुस गया, कोई जानवर तो घुस गया है, ठीक है। अब वो क्या है मुझे पता नहीं, वो पर्दे के पीछे है। पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण, इंग्लिश में कहेंगे इसको री एब्जॉर्प्शन, री एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। अब यार ये रीएब्जॉर्प्शन पुनः अवशोषण होता कैसे है, तो मैंने आपको बताया था कि जो पहली जो आपका वरकाणु है, सारा काम बकाता होगा वरकाणु के अंदर होगा, नेफ्रॉन के अंदर होगा। तो नेफ्रॉन का जो पहला भाग है वो कौन सा था आपका, ग्लोमेरुलस और आपका बोमेन संपुट, उनका काम हो गया, उन्होंने फिल्टर करके हमें जो द्रव है वो दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, उसका अवशोषण करेंगे। तो वरकाणु का जो दूसरा भाग आएगा वो कौन सा आएगा, पीसीटी, ठीक है, समीपस्वानित नलिका, ठीक है। तो पीसीटी की बात करते हैं, तो जो आपका कहां होगा ये पुनः अवशोषण सबसे पहले कहां होगा, वो होगा आपका पीसीटी के अंदर, पीसीटी। और पीसीटी किससे बनी हुई है, पीसीटी बनी हुई है ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल इपिथीलियम से बनी हुई है। इसकी बात अपन जब टिश्यू पढ़ेंगे तब और करेंगे, इन सारी जितने भी इपिथीलियम आए हैं वो सारी बातें करेंगे अपन इनकी, ठीक है। जब अपन टिश्यू वाली बात टिश्यू पढ़ेंगे, टिश्यू वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तब करेंगे ना। अभी बस इतना ध्यान में रखो कि पीसीटी जो है वो किससे बना हुआ होता है, ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल इपिथीलियम से बना हुआ है। ये बात यहां मैं लिख भी देता हूं, तो किससे बना हुआ पीसीटी, ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल, क्यूबोइडल, क्यूबोइडल इपिथीलियम, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं, माइक्रोविलाई बनाते हैं, आगे बताएंगे फिर, है ना, जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब बताऊंगा माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई का आपको पता है वैसे, पाचन वाला चैप्टर पढ़ा आपने ना, माइक्रोविलाई से बनती है, से बनी होती है, ठीक है। तो आपकी जो पीसीटी है वो किससे बनी हुई होती है, ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल इपिथीलियम से बनी हुई होती है, ये तो आपको पता लग गया। अब मैं आपको यहां पर वरकाणु का छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा और फिर अपन समझते हैं। बना लूं, चलो इससे नहीं, कलर कलर ये चेंज करते हैं, ये ठीक है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पीसीटी, ये क्या हो गया आपका हेनले लूप, ठीक है। अभी डायग्राम मत देखना इतना, क्योंकि अपन बस सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं इसको। वरकाणु का डायग्राम मैंने आपको पूरा समझा दिया वैसे, अभी बस अपन टाइम पास के लिए बना रहे हैं इसको। कितने बनाने की जरूरत थी नहीं अपन को, क्यों बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाए, वरना मैं सिर्फ पीसीटी की आपको लाइन बना के दिखा देता, ठीक है। चलो सारी चीजें बना दी मैंने, ठीक है। अब आगे जाए सारी चीजें नहीं बनाएंगे ना, एक बार पीसीटी को समझ लेते हैं, उसके बाद में जब आप हेनले लूप पढ़ेंगे तो फिर सिर्फ हेनले लूप बनाएंगे, जब अपन डीसीटी पढ़ेंगे सिर्फ डीसीटी बनाएंगे, ठीक है। अब इतना ही बनाएंगे, चलो अब देखेंगे पीसीटी के अंदर किस किस का अवशोषण होता है, आपको इतना पता होना चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता करना है।
ठीक है। मैंने आपको इतना कहा कि यहां पर ग्लोमेरुलस है, ठीक है, जो रक्तवाहिकाएं हैं, ठीक है, यहां पर ये बोमन संपुट है, इनसे जो है आपका छन के, ठीक है, जो आपका ब्लड है वो छन के आता है, और कितना आता है, एक मिनट में 125 ml आता है, पूरे दिन में 180 लीटर आता है। तो इतना अपन, इतना पानी अपन बाहर नहीं निकाल सकते शरीर से, तो क्या करना पड़ेगा अपन को, वापस अवशोषित करना पड़ेगा, पुनः अवशोषण करना पड़ेगा। तो पीसीटी ने कहा, हमने पीसीटी से कहा कि ऐसी दिक्कत आ गई भाई, इन्होंने 180 लीटर छान दिया, क्या करें, पीसीटी ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी मैं, अवशोषित कर लूंगी वापस, ये जो पानी है इसमें और भी जो चीजें हैं वो सारी की सारी मैं क्या कर लूंगी, अवशोषित कर लूंगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो जी। तो पीसीटी ने कहा, आपने हमसे जो वादा किया वो निभाया पीसीटी ने, और पीसीटी क्या करती है, पीसीटी न्यूट्रिएंट्स जो आ गए छन के, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो छन के आ गए, ठीक है, उनको वापस अवशोषित कर लेगी, ठीक है। उसके अलावा किसको अवशोषित कर लेगी, और क्या छन के आ गया, जैसे सोडियम आयन है उसको वापस अवशोषित कर लेगी, ठीक है, काम का होता ही है, ठीक है। उसके अलावा आपका ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज भी आ गया है छन के तो उसको भी वापस अवशोषित कर लेगी, है ना। तो ये अच्छी चीजें हैं, ये अच्छी चीजें हैं, इनको अपन मूत्र के अंदर बहा नहीं सकते, तो इनको अवशोषित कर लेगी। उसके बाद में अमाइनो एसिड अगर छन के आ गया, अमाइनो एसिड तो उसको भी क्या कर लेगी, ये वापस अवशोषित कर लेगी। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आगे छन के तो उनको भी क्या कर लेगी, ये वापस अवशोषित कर लेगी। तो आपके दिमाग में चीज आएगी, भैया पानी का अवशोषण तो किया ही नहीं भाई, छन के तो एक्सिलेटर है, उनमें से आपने न्यूट्रिएंट्स कर लिए, Na+, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट, ये सारी चीजें की है, ठीक है, पानी का अवशोषण तो आपने किया नहीं। देखो पानी का अवशोषण भी करते हैं, आ जाओ, ये मैंने किया किसका, HCO3-, ठीक है, इसका भी अवशोषण हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको होगी भैया, अभी पानी का नहीं हुआ, पानी का भी करेंगे, आ जाओ, ये हो गया आपका यूरिया, यूरिया का भी अवशोषण हो गया। अब आपको होगी भैया यूरिया क्यों, यूरिया भी कुछ अमाउंट में अपन को चाहिए होता है ना, काम का होता है, सारा ही पूरा खराब नहीं होता ना, अपनी वो जो बॉडी के अंदर आयंस का बैलेंस पूरा बना के रखें, फ्लूड का जो बैलेंस है, जो द्रव है उसके अंदर बैलेंस बना के रखें, जो प्राशरण है वो करके रखें, इसलिए क्या है आपका यूरिया भी आपको कुछ अमाउंट में चाहिए होता है ना। चलो अब हो गया भैया पानी का तो अभी भी आपने नहीं किया, करेंगे पानी का भी करेंगे ना। उसके अलावा कुछ अमाउंट में Cl- जो है उसको भी अवशोषित किया लिया जाता है। अब भैया पानी का तो कर ही नहीं रहे आप, अरे अब लो पानी का भी कर देते हैं, ये लो यहां पर आपका H2O का भी अवशोषण कर लेता है। तो यहां से क्या हुआ दिखाता हूं आपको, यहां से छन के आया, ठीक है, और वो फिर छन के बाद में यहां पर जब आया ना तो वहां से क्या हुआ, अवशोषण होने लग गया, इसमें से जो फिल्ट्रेट है जो आपको छन के आया है उसका क्या हो गया, अवशोषण होने लग गया, न्यूट्रिएंट्स अपन ने उससे बाहर निकाल लिए, ठीक है, वापस अवशोषित कर लिए, Na+ उसको अवशोषित कर लिया, ग्लूकोज को अवशोषित कर लिया, अमाइनो एसिड को अवशोषित कर लिया, इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित कर लिया। वही कहा HCO3-, यूरिया, Cl-, H2O, इनको भी क्या कर लिया अपन ने, अवशोषित कर लिया, ठीक है। तो अब यहां पर कुछ बातें लिखेंगे, वो ध्यान से देखना भाई, जो ये मैंने ब्लैक कलर के अंदर जितनी भी चीजें लिखी है ना, ब्लैक वाले कलर से जितनी भी मैंने चीजें लिखी, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, ठीक है, आपकी Na+, अमाइनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जितने भी चीजें लिखी हैं, इनका जो अवशोषण होगा वो कैसे होगा, सक्रिय अवशोषण होगा, इनका जो अवशोषण होगा वो कैसा होगा, सक्रिय अवशोषण, सक्रिय अवशोषण, सक्रिय अवशोषण का मतलब क्या है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, एक्टिव मतलब यहां पर जब इनको अवशोषित करेंगे तो यहां पर एनर्जी लगेगी, ठीक बात है। वही मैं बात करूं HCO3-, यूरिया, Cl-, H2O, ये जो ग्रीन कलर के अंदर मैंने जितने भी लिखे हैं, इनका कैसा अवशोषण होगा, निष्क्रिय अवशोषण होगा, इनका अवशोषण कैसा होगा, निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब क्या है, पैसिव अब्जॉर्प्शन, ठीक है। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना, आपको यह ध्यान में रखना है, ठीक है, जो एनसीईआरटी कहती है पीसीटी, ठीक है, पुनः अवशोषण करना है, छन के आ गया, कौन से कहां से, आपका जो बोमन संपुट है और आपके ग्लोमेरुलस वहां से छन गया, अब अगला पार्ट कौन सा आएगा नेफ्रॉन के अंदर, वो आएगा आपका पीसीटी। तो पीसीटी ने कहा हम भाई रिअब्जॉर्प्शन कर लेंगे, पुनः अवशोषण कर लेंगे। पीसीटी किससे बनी हुई है, पीसीटी बनी हुई है आपकी ब्रश बोर्ड क्यूबोडल एपिथेलियम से बनी हुई होती है, ठीक बात है। अब इसमें से क्या क्या अवशोषण होगा भाई, जल का अवशोषण होगा, बिल्कुल होगा, आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, जो विद्युत आप घटेगा, ठीक है, उनका क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा, ठीक है, और आपके जो ग्लूकोज हो गए, अमाइनो एसिड, इनका अवशोषण हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा जो अवशोषण होता है, सबसे ज्यादा जो पुनः अवशोषण होता है वो कहां होता है, वो पीसीटी के अंदर ही होता है। कितना अवशोषण हो जाता है, 70-80%
पुनः अवशोषण कहां होता है, वो आपकी पीसीटी के अंदर ही होता है। मतलब 180 लीटर जो यहां से आया है ना, उसका 70-80% जो भाग है वो पीसीटी के अंदर वापस क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। ठीक है, चलो तो 70-80% जो जितना भी पुनः अवशोषण होना है वो आपका कहां हो जाएगा, पीसीटी के अंदर हो जाएगा। बाकी जो आपका मान लो 70% यहां पीसीटी के अंदर हो गया तो बाकी कितना बचेगा, 30% बचेगा। 30% जितना पुनः अवशोषण होना है वो कहां होगा, इसके हेनले लूप के अंदर हो जाएगा, कुछ डीसीटी के अंदर हो जाएगा, कुछ आपका संग्रह नलिका के अंदर हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी आगे समझते हैं, इसके बारे में कुछ बातें लिखते हैं जो अपनी एनसीईआरटी में लिखी हुई है और अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये कभी मत भूलना ये बातें जो अभी लिख रहा हूं मैं आपको। 70-80% विद्युत अपघटय मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग में होता है। कल मैं एक बात और बता दूं आपको, टेलीग्राम पे मैसेज करके बता दूंगा। कल अपन माइंड मैप बनाएंगे, कौन से चैप्टर के बनाएंगे, कल लिविंग वर्ल्ड के बनाएंगे। लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं, जो जीव जगत वाला चैप्टर है उसके माइंड मैप बनाएंगे कल, है ना। तो वीडियो के अंदर बनाएंगे अपन, ठीक है, साथ साथ में, और कोशिश करेंगे ठीक ठीक लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो माइंड मैप बनाएंगे, मतलब कोशिश करेंगे पूरे चैप्टर का माइंड मैप बना के एक ही पेज के अंदर उसको कवर कर किया जाए, ताकि आपको लास्ट में जब पढ़ोगे तो मजा आएगा, आपको एक ही पेज के अंदर आपको पूरा माइंड मैप मिलेगा। तो कल अपन बनाएंगे, अगर आपका रिस्पॉन्स बढ़िया होगा तो उसको फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं मैसेज भी कर डाल दूंगा आपको टेलीग्राम पे, तो देख लेना। ठीक है, चलो तो आप पहले से थोड़ा सा उसको लिविंग वर्ल्ड को रीड कर लेना, मैं मैसेज डाल दूंगा आपको, तो आप रीड कर लेना, फिर अपन माइंड मैप बनाएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, सारी चीज़ें अपन जितना भी उसका पोर्शन है, सारी भी चीज़ें हैं वो सारी अपन एक पेज में कन्वर्ट करेंगे, एक पेज में ही उसको पूरा कर देंगे, ताकि आपको जब लास्ट में आप रिवाइज करोगे तो आपको मजा आएगा फिर, है ना। तो इसलिए वो माइंड मैप बनाएंगे अपन, तो कल बनाते हैं और आपका रिस्पॉन्स चेक करते हैं कैसा आपका रिस्पॉन्स आता है। अधिकतम पुनः अवशोषण जो कहा होता है, अधिकतम भाई 70-80% यहाँ हो गया अवशोषण अगर, तो अधिकतम भी यही होगा, अधिकतम पुनः अवशोषण यही होता है, पुनः अवशोषण। ठीक है, अधिकतम पुनः अवशोषण यहाँ होता है, ठीक बात है। चलो तो ये बात होगी किसकी, पीसीटी की। बस आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है, पीसीटी जो है किससे बनी हुई, ब्रश बॉर्डर की बड़े एपिथेलियम से बनी हुई है। उसके अलावा आपको ये बातें ध्यान में रखनी, किस किस का अवशोषण होता है यहाँ पे, 70-80% जो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, और आपके जो जल हैं उसका यहीं आपका पुनः अवशोषण हो जाता है। उसके अलावा इनमें यहाँ क्या होता है, अधिकतम पुनः अवशोषण होता है कहाँ पे, पीसीटी के अंदर। अब अगला जो पार्ट आता है वर्कणु का, वो कौन सा था, हेनले लूप आता है। तो हेनले लूप की बात कर लेते हैं, आ जाओ अगला पार्ट है हेनले लूप। तो तीसरा जो पार्ट है दूसरा, पहला तो हो गया ना आपका वो, है ना, तो रीऑब्जॉर्प्शन के अंदर दूसरा पार्ट है, वैसे तो तीसरा ही है, हेनले लूप। अब मैं आपको यहां पर एक चीज भी सही करवाऊंगा यार, वो भी देखना, हेनले लूप। पीछे अपना एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं, और आप लोगों ने नोटिस भी नहीं किया ये चीज है ना, एनसीईआरटी के डायग्राम में गलती है भाई। मुझे एक बात बताओ, आरोही और अवरोही क्रम आप सबने पढ़े होंगे, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो सबने पढ़ रखे होंगे, है ना, बचपन में गणित में पढ़ते हैं, और आरोही और अवरोही का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता था तो आपने ये चीज नोटिस नहीं की, इस एनसीईआरटी के डायग्राम में गलत लिख रखा है भाई, ये आरोही और अवरोही जो है वो गलत लिख रखे हैं। फिर मैं एक बार मैंने चेक किया हुआ है ना, मैंने कल देखा, लेकिन मैंने चेक किया हुआ, आप लोगों ने किसी ने नहीं बताया, मैंने चेक किया हुआ, लेकिन मैं वापस एक बार चेक करूंगा इस चीज को, है ना। मेरा मोड कहाँ गया, मोबाइल कहाँ रख दिया मैंने, एक मिनट दीजिए भाई, अभी मैं देखो चेक करता हूँ इसको, असेंडिंग और डिसेंडिंग का क्या खेल है। डिसेंडिंग कहते हैं जो नीचे जा रही होती है ना, उसको कहते हैं डिसेंडिंग, घटते हुए क्रम में कहते हैं डिसेंडिंग, है ना। डिसेंडिंग होती है अवरोही, और यहां पर क्या लिखा रखा है, जो घटते हुए क्रम में जो नीचे जाता है ना, घटता हुआ क्रम होता है उसको क्या कहते हैं,
डिसेंडिंग, जिसको हिंदी में अवरोही कहते हैं। और यहां पर ये देखो किसको कह रहा है अवरोही, ये देखो ऊपर जा रही है, ये वाली ऊपर जा रही है, बढ़ते हुए बढ़ रही है, तो ये बढ़ रही है, इसको ये अवरोही कह रहा है, जबकि ये आरोही पूजा होती है ना। तो यही तो मैंने सोचा कि यार ये गड़बड़ कैसे कर सकती है एनसीईआरटी, तो ये भाई काट लेना, आरोही पूजा है ये, आरोही, और ये वाली है अवरोही। ठीक है ये घट रही है, देखो ये वाली पूजा जो है वो यहां से पीसीटी के बाद में घट रही है, ठीक है, तो ये क्या है अवरोही है, और जो ये ऊपर जा रही है क्या है आपकी आरोही है। ठीक बात है, चलो तो ये एनसीईआरटी में गलती थी, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, चीजें करना चाहिए था, पिछले लेक्चर में मैंने आपको डायग्राम दिखाया भी था ना। चलो हिंदी लूप का डायग्राम बनाते हैं अपन, ये यहां तो पीसीटी है, ठीक है, और यहां बना देता हूं हिंदी लूप, ये आपका डीसीटी हो गया यहां पे, और ये आपका हैंडल लूप, ये आपका हैंडल लूप हो गया। अब आपके दिमाग में भी चीज आई होगी कि भैया आपने इतना इतना पतला बनाया, ये मोटा बनाया, ऐसा क्यों बनाया। और मैं आपको पीछे से चलता हूं, पीछे जो डायग्राम बनाया था उसमें मैंने आपको ऐसे ही बनाया था, नेफ्रॉन नेफ्रॉन नेफ्रॉन, ये देखो इसमें भी मैंने देखो यहां पर ये मोटा बनाया था, ये पतला बनाया था। तो यहां पर मैं लिखता हूं जो आपकी आरोही भुजा होती है, जो ऊपर जाने वाली जो भुजा होती है हैंडल लूप की, वो नीचे से यहां से पतली होती है, कलर दूसरा लेते हैं, नीचे से क्या होती है पतली होती है, यहां से क्या होगी पतली, और यहां से क्या होती है मोटी। ठीक है, अभी पतली मोटी का खेल आएगा, अभी देखते हैं। चलो तो ये अपन ने हैंडल लूप बना लिया, बिल्कुल भैया आपने हैंडल लूप बना लिया। अब इनकी भुजाएं लिख लेते हैं, सबसे पहले जहां गड़बड़ कर रखी है एनसीईआरटी ने, ठीक है, ये वाली भुजा कौन सी है आपकी आरोही भुजा है, आरोही, और ये वाली कौन सी है आपकी अवरोही, अवरोही भुजा, और ये है आपकी आरोही भुजा। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे थे, पुनर्विशेषण पढ़ रहे हैं। तो आरोही भुजा जो है अवरोही भुजा के अंदर किस चीज का पुनर्विशेषण होगा, और आरोही भुजा के अंदर किस चीज का पुनर्विशेषण होगा, अपन को वो देखने है ना, अपन को और चीज से मतलब ही नहीं है, अपन को तो वही देखना अपना काम। ठीक है, तो अवरोही भुजा है उसमें से किस चीज का अवशोषण होगा, यहां से होगा पानी का अवशोषण होगा, H2O, पानी का क्या होगा अवशोषण होगा, पानी का जो अवशोषण है वो कहां होगा, वो आपका अवरोही भुजा के अंदर होगा। आरोही भुजा के अंदर क्या होगा वो देखो भाई, आरोही भुजा का जो पतला वाला हिस्सा है ना, जो पतला वाला भाग है उससे एक तो क्या होगा आपका Na+ का होगा, उसके अलावा इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, जगह बन जाए मेरे पास में, उसके अलावा किसका अवशोषण होगा, उसके अलावा होगा आपका NaCl का, Na+ और NaCl का अवशोषण कहां होगा, वो आपका होगा आरोही भुजा। ठीक है, इनका होगा, और ये कैसा होता है, ये पैसिव होता है, इनका जो अवशोषण होता है कैसा होता है पैसिव। ठीक है, और ये जो मोटी वाली जो परत है ना, इससे किसका अवशोषण होगा, यहां से होगा Na+ का। ठीक है, तो आप कहोगे भैया ये क्या फर्क, इनमें क्या फर्क हुआ, ये पूरी आरोही भुजा है ही, इसमें ये नीचे वाली पतली होती है, ये ऊपर वाली मोटी होती है। ठीक है, यहां से भी आप कह रहे हो Na+ का होता है, यहां पर भी NaCl का होता है, और ये पैसिव होता है, ये वहां से भी Na+ का हो रहा है, यहां भी Na+ का हो रहा है, फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ यहां पर जो Na+ का जो अवशोषण होता है पतली वाली से वो पैसिव होता है, वहां पर कोई निष्क्रिय, वहां पर कोई एनर्जी नहीं लगती है, और वही बात करूं मैं इसकी मोटी से, यहां से क्या होगा आपका Na+ का अवशोषण होगा, लेकिन कैसा होगा एक्टिव होगा। ठीक है, यहां से जो अवशोषण हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। ठीक है, तो क्या भैया यहां से फिर जो आपकी आरोही भुजा, जो ऊपर वाली जो भुजा ऊपर जो जा रही है, नीचे से ऊपर जो भुजा जा रही है, उसमें कोई पानी का अवशोषण नहीं होगा क्या, नहीं जी, पानी का अवशोषण आरोही भुजा के अंदर नहीं होता है,
तो कहां होता है वो, आपकी अवरोही भुजा के अंदर होता है। हेनले लूप अपन पढ़ रहे हैं, हेनले लूप के अंदर पुनः अवशोषण किसका होता है अपन ये पढ़ना चाह रहे हैं। तो हेनले लूप के अंदर जो आपकी अवरोही भुजा है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है उसके अंदर पानी का अवशोषण होगा, पुनः अवशोषण होगा। वही मैं बात करूं जो नीचे से ऊपर जा रही है, जो भुजा नीचे से ऊपर जा रही है किसकी, हेनले लूप की, वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका एनए प्लस एनएसीएल का पतली वाली से पैसिव और मोटी वाली से एनए प्लस का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, पुनः अवशोषण होगा। क्या पानी का अवशोषण नहीं होगा जो नीचे से ऊपर जा रही है आरोही भुजा के अंदर? नहीं जी, उसके अंदर पानी का अवशोषण नहीं होता। वही मैं बात करूं अवरोही भुजा की जो ऊपर से नीचे आ रही है इसके अंदर सिर्फ पानी का होगा, इसके अंदर Na प्लस NaCl इनका नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, अवरोही भुजा जो है उसके अंदर सिर्फ पानी का होता है, ठीक है, इनका Na प्लस वगैरह इनका नहीं होता। वही बात करो आरोही भुजा की तो इसमें Na प्लस NaCl इनका होता है, पानी का नहीं होता, दोनों में उल्टा है। ठीक बात है, चलो अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें और लिखवाऊंगा। जो आपकी आरोही भुजा है, ठीक है, उसका जो मोटा वाला हिस्सा है ना वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ आपका सिंपल सिंपल क्यूबोइडल इपिथीलियम से, ठीक है। बाकी जो पूरा दोनों का पतला वाला जो हिस्सा है, ठीक है, आरोही और अवरोही का जो पतला वाला हिस्सा है वो बना हुआ है सिंपल सिंपल स्क्वमस इपिथीलियम से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए हेनले लूप के अंदर किस चीज का पुनः अवशोषण होता है। भाई पीसीटी के अंदर अपने पढ़ लिया था, अब हेनले लूप पढ़ रहे हैं। हेनले लूप के अंदर जो अवरोही भुजा है उसके अंदर किस चीज का होता है, सिर्फ पानी का होता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स का नहीं होता। वही मैं बात करूं जो अवरोही भुजा जो ऊपर से नीचे आ रही है, इनमें यार मैं भी खुद कंफ्यूज हूं, जो ऊपर से नीचे आ रही है अवरोही भुजा उसके अंदर किसका होता है, सिर्फ पानी का होता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स का नहीं होता। और बात करें आरोही भुजा जो नीचे से ऊपर जा रही है उसके अंदर जो पतली वाली है उसके अंदर Na प्लस और NaCl का होता है जो कि पैसिव होता है, और जो मोटी वाली उससे Na प्लस का होता है लेकिन वो एक्टिव होता है। ठीक है, ये अपन ने हेनले लूप के बारे में पढ़ लिया। अब हेनले लूप के बारे में कुछ बातें मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, दोनों को कंपेयर करके यहां लिख रहा हूं मैं अवरोही की, आरोही की बात करें कि अवरोही की, यहां मैं लिख देता हूं अवरोही की और यहां मैं लिख देता हूं आरोही। ठीक है, इनके बारे में कुछ बातें लिखते हैं। सबसे पहले बात लिखते हैं अवरोही के बारे में। इसके अंदर ये क्या है, जल के लिए क्या होती है, भाई जल इसमें क्या होता है आपका अवरोही भुजा के अंदर आपका जल क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है जल का, तो ना तो इसलिए क्या जल के लिए पारगम्य होती है ना, पारगम्य होती है जल के लिए, जल के लिए पारगम्य पारगम्य होती है, होती है और इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अपारगम्य होती है, अपारगम्य होती है। ठीक है, तो अवरोही भुजा के अंदर तो जल के लिए पारगम्य होती है, मतलब जल का यहां पर पुनः अवशोषण हो जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनके लिए अपारगम्य होती है, वहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका पुनः अवशोषण नहीं होता है। ठीक है, यहां पर जल का क्या हो जाता है, पुनः अवशोषण होता है, जल का पुनः अवशोषण पुनः अवशोषण होता है। ठीक है, तो आपका जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा, अधिक सांद्रित हो जाएगा, फिल्ट्रेट अधिक सांद्रित हो जाएगा, सांद्रित का मतलब क्या, कंसंट्रेटेड हो जाएगा ना, तो ये बात आपको पता ही है। अगर भाई मैं क्या करूं, 5 लीटर पानी में आधा किलो चीनी मैं अगर उसमें मिला दूं, ठीक है, एक तो मैंने एक पात्र लिया, मैंने पात्र ठीक है बाल्टी ली, उसमें 5 लीटर पानी डाला और उसमें मैंने आधा किलो चीनी डाल दी, ठीक बात है, और फिर मैंने दूसरी बाल्टी ली, ठीक है, उसमें मैंने क्या कितना लिया, उसमें मैंने 2 लीटर पानी लिया और उसमें से मैंने आधा किलो चीनी डाल दिया, चीनी की मात्रा दोनों बाल्टियों में बराबर रखी मैंने, ठीक है, लेकिन पानी की मात्रा देखो, एक में 5 लीटर है और एक में 2 लीटर है। मुझे आप अपने दिमाग से बताओ, 5 लीटर पानी में मैंने आधा किलो चीनी मिलाई है और एक 2 लीटर पानी में मैंने आधा किलो चीनी मिलाई है, आप मुझे एक बात बताओ,
कि दोनों पानी में से, दोनों बाल्टी की जो पानी है दोनों में से ज्यादा मीठा कौन सा होगा, मुझे एक बात बताओ। दोनों पानी, दोनों बाल्टी की जो पानी है उनमें से मीठा ज्यादा कौन सा होगा। आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि भैया 5 लीटर पानी है उसमें सिर्फ आपने आधा किलो चीनी मिलाई है, वही बात करें 2 लीटर पानी के अंदर आपने आधा किलो चीनी डाल दी है तो 2 लीटर वाला जो पानी है वो ज्यादा मीठा होगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? पानी की मात्रा कम है और आपने चीनी की मात्रा कम, दोनों की तुलना में बात करें, हाँ तुलना के हिसाब से बात करें, वहां पर 5 लीटर पानी एक बाल्टी में उसमें आधा किलो चीनी, वही बात 2 लीटर पानी उसमें आधा किलो चीनी, तो दोनों को कदम तुलना करते हैं तो एक के अंदर क्या है पानी की मात्रा कम है, एक के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, दोनों जो सॉल्यूशन है दोनों में से ज्यादा सांद्रित कौन सा है, ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा है, मुझे एक बात बताओ दोनों में से ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा है। बिल्कुल वही ज्यादा कंसंट्रेटेड है जिसके अंदर पानी की मात्रा कम है। पानी की मात्रा कम किसमें है, 2 लीटर पानी में आपने आधा किलो चीनी डाली है, वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, वो ज्यादा सांद्रित है, वो ज्यादा मीठा है। ठीक है, वही बात करूंगा 5 लीटर वाला वो थोड़ा कम सांद्रित है, वो डाइल्यूट है। ठीक है, तो वही बात मैं यहां कहना चाह रहा हूं, जब अवरोही भुजा, ये जो अवरोही भुजा इसमें से जब पानी की मात्रा अपन कम कर देंगे, पानी की मात्रा हम कम कर देंगे तो जो यहां से फिल्ट्रेट अपना आ रहा है, जो फिल्टर हुआ था ऊपर, ठीक है, वो तो इस ट्यूब में जा रही है, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, सांद्रित हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 5 लीटर जो पानी मैंने लिया था उस बाल्टी में से, अगर मैं उस बाल्टी का पानी अगर मैं कम कर दूं और उसमें से पानी मैं बाहर निकाल के उसमें से मैं सिर्फ 1.5 लीटर पानी कर दूं, ठीक है, और उसमें से आधा किलो चीनी मैंने डाल रखी है तो वो कितना मीठा हो जाएगा, ज्यादा सांद्रित नहीं हो जाएगा। तो वही बात यहां लिख रखी है कि अवरोही भुजा में से पानी ने अपन पानी को अपने क्या लिख लिया, अब पुनः अवशोषण कर लिया, पानी को अपने अवशोषित कर लिया, तो अब जो इस ट्यूब के अंदर जो अपना फिल्ट्रेट जो है ना वो कैसा हो जाएगा, सांद्रित हो जाएगा। ठीक बात है, चलो अब बात करते हैं आरोही भुजा की। आरोही भुजा की पहले तो इसके बारे में कुछ बातें लिखता हूं मैं। आरोही भुजा जो है यहां पर न्यूनतम पुनः अवशोषण होता है। तो आपको पूछे अधिकतम पुनः अवशोषण कहां होता है, तो आप क्या कहोगे, अधिकतम पुनः अवशोषण जो है वो कहां होता है, आप कहोगे पीसीटी के अंदर होता है। और आपको पूछे न्यूनतम पुनः अवशोषण कहां होता है, तो आप कहोगे हेनले लूप के आरोही भाग में होता है ना, न्यूनतम पुनः अवशोषण। ठीक है, एक बात तो ये होगी, दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात होगी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पारगम्य होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पारगम्य होती है और जल के लिए अपारगम्य। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो पारगम्य होती है और जो आपके जल है उसके लिए अपारगम्य होती है। वही बात करें अवरोही की, तो वो जल के लिए पारगम्य है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अपारगम्य है। ठीक है, अब यहां पर आपको बताया कि जो आरोही जो आपकी जो भुजा है उसके अंदर दो है, एक पतली है एक मोटी है। ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं, पतली मोटी की भी बात कर लेते हैं, पतली और मोटी। ठीक है, पतली जो है उसमें क्या होगा, निष्क्रिय पुनः अवशोषण होगा, निष्क्रिय पुनः अवशोषण होगा। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, फिल्ट्रेट कम सांद्रित होगा। यहां पर क्या हो रहा है, अधिक सांद्रित, और यहां पर क्या हो रहा है, कम सांद्रित। अब वही अपन अपने बाल्टी वाले एग्जांपल में जाते हैं। यहां पर अपने क्या किया था, पानी निकाल लिया था, उसका क्या कर दिया था अपने 1.5 लीटर के अंदर क्या कर दिया था अपने, आधा किलो चीनी हो गई थी लास्ट में ना, ये हो गई थी ना अपने पास में, तो वो क्या था, अधिक सांद्रित था ना, ज्यादा मीठा था। फिर अपन ने क्या किया, उसमें से 1.5 लीटर पानी में आधा किलो चीनी डाल रखी थी, अपन ने क्या किया, उसमें से अपन ने क्या किया, चीनी को बाहर निकाल लिया, और चीनी कितनी छोड़ दी, 500 ग्राम चीनी में से अपन ने क्या निकाल ली, 250 ग्राम चीनी अपन ने बाहर निकाल ली, कितनी छोड़ी अपन ने, 250 ग्राम इसमें चीनी छोड़ी, 250 ग्राम अपने बाहर निकाल ली। तो अब क्या, पहले के मुकाबले में कम मीठा हो गया ना भाई, पहले 1.5 लीटर के अंदर कितनी चीनी थी,
आधा किलो चीनी थी, 500 ग्राम चीनी थी, अब कितनी है उसमें 250 ग्राम चीनी है, तो कम मीठा हो गया ना, पहले से तो कम मीठा हो गया, तो इसलिए क्या बोला, कम सांद्रित हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि अपने क्या करते हैं यहाँ पे जो आपके NaCl है, Na+ है, उनको अपन बाहर निकाल लेते हैं, जो पानी है वो कैसे हो जाएगा, कम सांद्रित हो जाएगा, ठीक है। और मोटी वाली जो इसमें क्या होता है, सक्रिय पुनर्वशोषण होता है। वैसे बातें मैंने लिखवा दी थी, बस वापस लिखवा देते हैं एक बार, यहाँ पर क्या होता है सक्रिय पुनर्वशोषण, सक्रिय पुनर्वशोषण, ठीक है। तो ये अपन ने बात कर ली हैनले लूप की बात होगी, ठीक है। अब बात करेंगे अपन डीसीटी की, बात करते हैं, ध्यान से देखना भाई, डीसीटी पे चलते हैं अपन, है ना, चलो डीसीटी की बातें करते हैं। हैनले लूप के अंदर पुनर्वशोषण के लिए आप डीसीटी के अंदर पुनर्वशोषण कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। डीसीटी हैनले लूप डीसीटी, ठीक है, डीसीटी में जो है आपका पुनर्वशोषण जो है वो नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। अगर नॉर्मल कंडीशंस होंगी तो उनमें डीसीटी के अंदर पुनर्वशोषण नहीं होगा, तो कब होता है, इसके अंदर कुछ परिस्थितियों के अंदर, खास परिस्थितियों के अंदर क्या है पुनर्वशोषण होता है भाई। पीसीटी के अंदर नॉर्मल आप कंडीशन रहेगी तो उसमें पुनर्वशोषण होगा, हैनले लूप के अंदर पुनर्वशोषण होगा, वही बात करें अपन डीसीटी की, तो डीसीटी के अंदर नॉर्मल कंडीशन के अंदर पुनर्वशोषण होता ही नहीं, ठीक है। तो कब होता है, विशिष्ट परिस्थितियों में होता है इसके अंदर, है ना, तो विशिष्ट परिस्थितियों में, विशिष्ट परिस्थितियों में, विशिष्ट परिस्थितियों में पुनः अवशोषण होता है, ठीक है। विशिष्ट परिस्थितियों में, है ना, ऐसा नॉर्मल कंडीशन नहीं होगा, विशिष्ट परिस्थितियों में क्या होगा, इसका पुनर्वशोषण होगा, ठीक बात है। अब यहां पर क्या है आपके दो, आपके क्या है, एक मिनट, दो हार्मोन है यार, है ना, दो हार्मोन है, एक है आपका ADH और दूसरा है आपका एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन, इनकी बात करते हैं। ये अवशोषण में मदद करते हैं, कैसे मदद करते हैं अभी समझेंगे उसके बारे में, और उसके बाद इन दोनों के बारे में पर आगे भी बात करेंगे जब अपन किडनी का जो नियमन पढ़ेंगे ना, रेगुलेशन पढ़ेंगे, उसमें भी इसकी बात करेंगे, अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं बस, ठीक है। देखो भाई, तो क्या होता है, दो हार्मोन होते हैं, एक होता है आपका ADH जिसको कहते हैं एंटी, फुल फॉर्म है इसकी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है, और इसी का नाम है एक, इसी को और भी कहते देते हैं वेसोप्रेसिन, ठीक है, एक और है वेसोप्रेसिन, ऐसे समझ लो। अब इनका मतलब ये काम किस आते हैं, वेसोप्रेसिन किस काम आता है, इसकी बात अपन आगे करेंगे, अभी आप ADH को समझो। एक है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, इसको मिनरेलो कोर्टिकोइड भी कहते हैं, मिनरेलो कोर्टिकोइड। अभी एल्डोस्टेरोन क्या है इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे, कहां, इसी बुक के लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जिसमें हार्मोन की बातें करेंगे अपन, कोर्टिकोइड, ठीक है। ये जो एल्डोस्टेरोन है ये कहां से निकलता है, ये किसका हार्मोन है, ये है आपका, ये है आपका एड्रिनल कोर्टेक्स का हार्मोन है, जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल जो ग्लैंड है, ठीक है, उसका यह हार्मोन है, ठीक है, एड्रिनल कोर्टेक्स का, कोर्टेक्स का हार्मोन है, ठीक है। चलो अभी बात करूं मैं ADH की, तो ADH किसका हार्मोन है, ADH जो है ना वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, मतलब ये जो जो ADH जो है वो ये हार्मोन जो है वो बनता कहां पे, ये हाइपोथैलेमस बनाता है, लेकिन इसको स्टोर कहां किया जाता है, वो स्टोर किया जाता है इसको पश्च पीयूष ग्रंथि के अंदर, इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं ये बात, ये कैसा हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन होने का मतलब क्या है, ये बनता कहां पे है, ये बनता तो कहां पे, हाइपोथैलेमस बनाता है, लेकिन स्टोर कहां पे होता है, स्टोर होता है लेकिन लेकिन पश्च पश्च पीयूष ग्रंथि, पश्च पीयूष ग्रंथि ग्रंथि में संग्रहित किया जाता है, में संग्रहित
होता है, ठीक है। स्टोर कहां होता है, पश्च पीयूष ग्रंथि में इसको स्टोर किया जाता है। ये इसकी नॉर्मल बातें हो गई, ठीक है। अब बात करेंगे ये एडीएच और आपका एल्डोस्टेरोन जो है ये कैसे काम करते हैं, पुनः अवशोषण कैसे कराते हैं, अपना टॉपिक तो वही है ना भाई, पुनः अवशोषण कैसे करवाते हैं, अपना टॉपिक वही है। तो डीसीटी बना देते हैं, ये आपकी क्या है डीसीटी, ये डीसीटी बना दी मैंने, क्या बना दी डीसीटी, ये आपकी डीसीटी है, ठीक है। अब इसमें पुनः अवशोषण का खेल कैसे करते हैं वो देखो भाई, देखो अगर किसी इंसान के अंदर पुनः अवशोषण बढ़िया नहीं हो रहा, मतलब नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन क्या होता है पीसीटी कर लेता है पुनः अवशोषण, हेनले लूप कर लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया जिंदगी चल रही है, मूत्र निर्माण हो रहा बढ़िया से। लेकिन कई बार क्या होता है पीसीटी जो वो ढंग से पुनः अवशोषण नहीं कर पा रहा है, हेनले लूप जो वो ढंग से पुनः अवशोषण नहीं कर पा रहा, और किसी कारणों से क्या हो रहा है पानी का जो लॉस है ना शरीर से वो ज्यादा हो रहा है, मूत्र जो है वो बहुत ज्यादा निकल रहा है, उस मूत्र में पानी जो है वो बहुत ज्यादा निकल रहा है, और पानी ज्यादा निकलेगा तो क्या होगा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, शरीर में पानी की कमी आ जाएगी। तो यार पानी जो है वो जल जो है उसका ज्यादा नुकसान ना हो, ज्यादा बाहर ना निकले, इसलिए क्या 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 निकाला जाता है एडीएच हार्मोन निकाला जाता है। और ये एडीएच क्या काम करता है, ये एडीएच कार्य करता है किस पर, डीसीटी पर कार्य करता है। एडीएच जो आपका हार्मोन है वो किस पर कार्य करेगा, वो कार्य करेगा किस पर, डीसीटी पर कार्य करता है, डीसीटी पर कार्य करता है, ठीक है। एडीएच किस पर कार्य करेगा, डीसीटी पे। क्या काम करेगा डीसीटी पे, डीसीटी के अंदर जो आपका पानी, जो आपका H2O ऐसे मूत्र में जा रहा था, बहुत सारा H2O जा रहा था, उसको क्या कर लेगा ये डीसीटी से क्या करवाएगा, एब्जॉर्ब करवाएगा, अवशोषण करवाएगा ना H2O का, कौन करवाएगा एडीएच। एडीएच नाम से कहता है एंटी डाइयूरेटिक, ठीक है। तो ये डाइयूरेसिस को रोकेगा, ज्यादा मूत्र का जो लॉस है ना उसको, मूत्र की जो हानि है उसको रोकेगा, कौन एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन एडीएच। क्या काम करेगा ये डीसीटी पर काम करता है, और क्या करवाता है पानी का अवशोषण करवाता है। किसी कारणवश से अगर पानी का अवशोषण ढंग से नहीं हो रहा है, पानी की मात्रा ज्यादा लॉस हो रही है मूत्र के अंदर, तो पानी की कमी आ जाएगी, वो कमी ना आए इसलिए एडीएच को निकाला जाता है, और एडीएच क्या करेगा पानी को रोकेगा, ठीक है। कैसे रोकेगा, डीसीटी को कहेगा कि भाई बाकी वर्काणु काम नहीं कर रहा तो तू काम कर ले, और इस H2 को रोक ले, H2 को अवशोषित कर ले। भैया एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, देखो नाम से पता लग रहा है मिनरल वर्ड आ रहा है इसमें, मिनरल कोटेकोइड मिनरल आ रहा, मतलब क्या करेगा मिनरल्स को अवशोषित करवाएगा। तो एल्डोस्टेरोन किस पर काम करेगा, ये भी किस पर काम करता है, ये भी काम करता है आपके डीसीटी पर कार्य करता है, ये भी डीसीटी पर कार्य करता है, डीसीटी पर कार्य करता है, ठीक है। ये भी किस पर काम करेगा, डीसीटी पर ही काम करेगा, क्या काम करेगा ये करेगा Na+ क्या करेगा अवशोषित करवाएगा, Na+ का करवाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, जहां जहां सोडियम आयन जाएगा पानी उसके पीछे पीछे जाएगा, ठीक है। सोडियम आयन आगे आगे पानी उसके पीछे पीछे, सोडियम आयन आगे आगे पानी उसके पीछे पीछे, सोडियम आयन आगे आगे पानी उसके पीछे पीछे, ठीक है। तो अगर सोडियम आयन का अवशोषण हो गया है तो इसके पीछे कौन जाएगा, H2O तो जाएगा ही जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, H2O का भी अवशोषण हो गया। और अपन यही तो चाहते हैं कि अगर पानी की मात्रा ज्यादा लॉस हो रही है तो क्या करेंगे, ये दो हार्मोन है ADH और एल्डोस्टेरोन, क्या करेंगे पानी का पुनः अवशोषण करवाएंगे, और पानी का अवशोषण हो जाएगा तो पानी जो है मूत्र के अंदर ज्यादा नहीं जाएगा, पानी का लॉस कम हो जाएगा, ठीक बात है। अब मैं यहां पर एक कंडीशन लिखता हूं, यहां पर मैं एक कंडीशन लिखता हूं, क्या कंडीशन है, अगर ADH ना हो, अगर ADH ना निकले तो क्या होगा, ADH ना निकले, इसको मैं अलग कलर से बनाता हूं वरना एक्स्ट्रा लगेगा आपको, ADH अगर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, ADH अगर नहीं निकलेगा तो जल का पुनः अवशोषण नहीं होगा, जल का पुनः अवशोषण, जल का पुनः अवशोषण जो है वो नहीं होगा, और जल का पुनः अवशोषण नहीं होगा तो क्या होगा, जल का अगर पुनः अवशोषण नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, मूत्र द्वारा जल की हानि होगी। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डाइयूरेसिस कहते हैं, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, डाइयूरेसिस। और किसी के अंदर अगर मूत्र ज्यादा ही निकल रहा है ना, मूत्र के अंदर पानी जो है वो ज्यादा ही जा रहा है तो क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, या आगे ही पढ़ेंगे अपन, डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये मैंने आपको अलग कंडीशन भी बता दी,
ठीक है, इसको अपन एक बक्से में बंद कर देते हैं। तो अगर एडीएस निकल गया तो जल का पुनः शोषण नहीं होगा और जलमूत्र द्वारा जल की हानि होगी और इस कंडीशन कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। यहां पर जो है आपका डीसीटी वाला पार्ट खत्म हो जाता है। इसके बारे में डीसीटी में एक लाइन और ऐड कर देते हैं। यहां पर HCO3 नेगेटिव जो है HCO3 नेगेटिव का पुनः अवशोषण भी डीसीटी में होता है। ठीक है, पानी का तो होता ही है और HCO3 नेगेटिव जो है उसका भी क्या होता है आपका पुनः अवशोषण होता है डीसीटी में। ठीक बात है। अब बात करेंगे लास्ट अपनी संग्रह नलिका की बात करेंगे, फिर अपना क्या खत्म हो जाएगा मूत्र निर्माण खत्म हो जाएगा भाई। संग्रह नलिका ये वर्काणु का लास्ट पार्ट है, जिसको कहते हैं अपन कलेक्टिंग डक्ट। इसमें किस चीज का अवशोषण होगा वो देख लो भाई, कलेक्टिंग डक्ट। इसमें किस चीज का अवशोषण होगा वो देखो, पहले कलेक्टिंग डक्ट बना लेता हूं मैं। ठीक है, ये क्या कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें से किस चीज का अवशोषण होगा वो देखो, पहले तो किस चीज की बनी हुई है वो देख लो। तो सिंपल क्यूबोइडल इपिथीलियम से ये बनी हुई है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर किस चीज का अवशोषण होगा तो वो एक तो H2O का अवशोषण होगा, H2O। ठीक है, उसके अलावा किस चीज का होगा, यूरिया का, यूरिया का। ठीक है, तो यूरिया और H2O का क्या होता है यहां पर अवशोषण होता है। यूरिया जो है उसका कम मात्रा में, कम मात्रा में रख लिया जाता है, यूरिया जो उसको कम मात्रा में रख लिया जाता है। ठीक है, यूरिया को भी रख लिया जाता है कि ताकि जो अपना बॉडी के अंदर जो प्रसरण है, जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो बना रहे, बॉडी के अंदर जो मेंटेनेंस है ठीक है फ्लूड के अंदर वो बना रहे द्रव के अंदर। तो ये अपन ने डीसीटी की कलेक्टिंग डक्ट की बात कर ली, संग्रह नलिका की बात कर ली, यहां पर अपना पूर्ण अवशोषण जो खत्म हो जाता है और अपन बात करेंगे अपन श्रवण की। ठीक है, और वो है आपका सिक्रीशन, है ना, जो आपके तीसरी स्टेप है मूत्र निर्माण की, वो अपन बात करने वाले हैं। ये जो सिक्रीशन करवा देंगे उसके बाद में अपना मूत्र जो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो मूत्र बनवाते हैं और जो लास्ट स्टेप है वो है आपकी श्रवण, सिक्रीशन इंग्लिश में सिक्रीशन, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, दो तीन बातें हैं बस वही लिख लेते हैं। हमेशा हमेशा सक्रिय प्रक्रिया होती है, कैसी प्रक्रिया होती है, सक्रिय प्रक्रिया होती है, मतलब एक्टिव प्रोसेस है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, एक बात तो ये होगी कि जो आपकी सिक्रीशन वाली जो प्रोसेस है वो हमेशा कैसी होगी, सक्रिय प्रक्रिया होगी। उसके अलावा आयनी किस काम आती है, ये अपन सिक्रीशन क्यों करवाते हैं, श्रवण क्यों करवाते हैं, ये आयन का बैलेंस, आयन और जो जो द्रव है उसका बैलेंस बना के रखेगा उसमें, है ना। तो आयनी और या फिर वह लिखते हैं ना, आई नहीं वह अम्ल और क्षार, या फिर अम्ल क्षार ठीक रहेगा, एसिड बेस है ना, अम्ल क्षार यार लिख दिया मैंने, अम्ल क्षार ठीक है, पीएच संतुलन, संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, तो श्रवण क्यों करते हैं, सिक्रीशन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि आयन और जो आपका एसिड बेस का जो बैलेंस है, मतलब पीएच का जो बैलेंस है, पीएच जो वो मेंटेन रहे, इसलिए क्या करते हैं अपन, अगर ज्यादा एसिडिक होगी तो उस एसिड को अपन बाहर निकाल देते हैं और ज्यादा बेस होगी तो बेस को अपन बाहर निकाल देते हैं। तो एक पीएच जो है वो मेंटेन रहे, आयन जो है वो मेंटेन रहे, इसलिए अपन क्या करते हैं सिक्रीशन करते हैं, श्रवण करते हैं। तो पीसीटी के अंदर क्या होता है वो देख लो भाई, देख लेते हैं पीसीटी के अंदर किस चीज का श्रवण होता है वो देखो, पीसीटी के अंदर होता है H+ को सिक्रीट कर देता है पीसीटी, और क्या सिक्रीट करता है, और क्या करता है NH3 को सिक्रीट कर देता है, NH3 को, और क्या करता है K+ को।
ये सारी चीजें क्या है, मूत्र में डाल देता है, ठीक है। ये अपनी बॉडी को नहीं चाहिए, तो बॉडी का जो द्रव है, बॉडी का जो द्रव है, शरीर का जो द्रव है, उससे निकाल के किस में डाल देगा, मूत्र के अंदर डाल देगा कि मूत्र में बाहर निकल जाए। फिर बात करें हेनले लूप की, हेनले लूप क्या करता है, हेनले लूप कुछ नहीं करता। डीसीटी क्या करता है, फिर डीसीटी किस चीज का श्रवण करता है, किस चीज को बाहर निकालता है, तो वही एच प्लस, एनएच थ्री और के प्लस, इनका क्या करता है, मूत्र में डाल देता है, मूत्र में इनका सिक्रेट कर देता है। फिर बात करें अपन किसकी, लास्ट बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट की, कलेक्टिंग डक्ट की। तो कलेक्टिंग डक्ट में देखा जाता है एच प्लस और के प्लस, ठीक है। तो आपका कलेक्टिंग डक्ट है वो क्या निकालती है, एच प्लस और के प्लस को क्या है, मूत्र में डाल देती है। इससे क्या रहेगा, अपना एसिड का और बैलेंस, एसिड बेस का जो बैलेंस है वो बना रहेगा, आयंस का बैलेंस जो वो बना रहेगा बॉडी के अंदर। तो यहां पर मैंने मूत्र निर्माण जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब जो बन गया ना, जो जो द्रव बन गया, ठीक है, पुनः शोषण भी करवा लिया, कुछ खराब चीजें थी अपने शरीर के अंदर उनको बाहर भी निकाल दिया मूत्र में। अब जो बन गया वो मूत्र निर्माण हो चुका है, प्रॉपर मूत्र बन चुका है, ठीक है। इससे आगे अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। यहां तक समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, माइंड मैप वाली बात बता के जाना। तब तक के लिए पढ़ते रहो।